जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है। तीन लोग होते हैं, तीन आते हैं। अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा कैसे काटेगा जेब, सामने से आएगा कैसे काटेगा। तीन आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से दिखता है। सामने वाला आता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया, पीछे से नंबर दो आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है और दूर से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है तीसरा, कहता है यहां पे मतलब जनता ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटुआ ले लेता है भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं टीवी में, सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, जीएसटी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं। पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा उठा के ले जाता है, दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। स्वच्छ ईंधन नहीं था, जो बीमार रहती थी, पर्यावरण को भी नुकसान होता था, उनकी सेहत को भी नुकसान होता था, उन तक उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाए गए। नहीं तो मेरी उम्र के लोगों ने गैस के ऊपर ब्लैक होते हुए देखा है, और लोगों के घर में कनेक्शन नहीं आते थे, पांच पांच दिन हफ्ता हफ्ता हम लोग रुक जाते थे। उस चीज को सुधारा और सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव तक गैस कनेक्शन लेकर गए, और शहरों के अंदर, और गुजरात का मैंने आपको उदाहरण दिया कि गुजरात के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री होने के कारण मांग रखी थी कि केजी बेसन से गैस कनेक्शन जो है सूरत आदि अन्य क्षेत्र में आप उनको जो है पाइपलाइन दे दीजिए, ताकि उतने सिलेंडर बच जाएंगे और उन सिलेंडर्स को आप पहाड़ आदि क्षेत्रों में इस्तेमाल कर पाएंगे। तब केंद्र सरकार ने उस पर काम नहीं किया, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से हटकर खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आते ही इस समस्या का को सुलझाया, और सभी खासतौर पे जो ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री है उसको भी आदेश देकर उज्ज्वला के माध्यम से हर घर तक गैस पहुंचाने का प्रयास किया, और लगातार 12 करोड़ के आसपास जो है गैस कनेक्शन दिए गए। और एक हिस्सा ये भी है कि जहां गैस कनेक्शन थे तो उन सिलेंडरों को फ्री कर दिया गया, क्योंकि जब वहां पे पाइप गैस चली जाएगी और मीटर से जैसे पानी चलता है वैसे गैस चलेगी, तो वहां के सारे सिलेंडर जो है वो फ्री हो जाएंगे और उन सिलेंडर्स को आप अन्य स्थानों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब्सिडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो खराब जाता था वो बच जाता है, और महिलाओं आदि को भी ये चिंता नहीं रहती कि कब गैस खत्म हुई और कब आपको दूसरा सिलेंडर के लिए फोन करके मंगाना होगा, फिर ब्लैक में खरीदना होगा, और रोज की जो तकलीफ है वो समाप्त हो जाए।